आज की इस वीडियो में हम संतवाणी का भाग आ के क्वेश्चन आंसर करेंगे। दोस्तों मैं हूं दीपक, स्वागत करता हूं आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है खालील चौकटी पूर्ण करा। तो उसका क्वेश्चन पहला देखिए, अभंगात वर्णिलेला चंद्र किरण पीउन जगनारा पक्षी, तो उसका आंसर है चकोर। सेकंड देखिए पिलाना सुरक्षितता देनारे, उसका आंसर है पक्षी नीचे पंख। थर्ड है चिरकाल टिकनारा आनंद, तो स्वानंद तृप्ति। फोर्थ है व्यक्तिला सदैव सुख देनारा योगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है खालील आकृति पूर्ण करा। तो उसमें जो आपको खाली ब्रैकेट दे रखे उसमें डालना आपको पहले में पांखोवा, सेकेंड में चकोरांसी, थर्ड में जीवन। फिर नेक्स्ट है खालील तक्का तख्ता पूर्ण करा, तो योगी पुरुष और जीवन पाणी। तो देखिए उसका आंसर यहाँ पर है, आप वीडियो को स्क्रीनशॉट ले लीजिए वीडियो का, या फिर वीडियो को पोस्ट करके राइट डाउन कर लीजिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है खालील शब्दांशाटी कवितेतील समानार्थी शब्द सोधा, तो जीव का रसना, पानी का जीवन, उदक या जल, गोटपणा का मधुरता, डक का मेघ। काव्य सौंदर्य का पहला क्वेश्चन देखिए, तैसे योगी असी खालुणे येणे, इसका जो आंसर है देखिए यहाँ पर है, आप वीडियो को पॉज करके राइट डाउन कर लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये काव्य सौंदर्य का पहला क्वेश्चन है। काव्य सौंदर्य का दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर है, योगी पुरुष पाण्यापेक्षा श्रेष्ठ आहे हे तुमच्या शब्दांत स्पष्ट करा, तो वीडियो को पॉज करके राइट डाउन कर लीजिए या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। थर्ड क्वेश्चन देखिए काव्य सौंदर्य का, योगी पुरुष आणि पाणी दे दोधेही सामाजिक कार्य करतात हे स्पष्ट करा, तो यहाँ पर देखिए आधा है, आधा दूसरे पेज पर है, पहले आप ये राइट डाउन कर लीजिए फिर मैं नेक्स्ट पेज पर ले चलता हूँ। रिमेनिंग आंसर यहाँ पर है, तो इसका भी आप राइट डाउन करके या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए।